दर्शन सपोज अंदर नहीं हो पाते कई बारी, तो आप गोमत के दर्शन जरूर करिए। ऊपर आपको झंडा दिखाता हूँ उसके, और गोमत के दर्शन कर लीजिए, आपकी हाजिरी डेफिनेटली लग जाएगी अंदर। तो आपको मैं दिखा, जैसे कि वो गोमत है, पीला वस्त्र पहन के दर्शन किए जाते हैं क्योंकि माता को पीला रंग बहुत पसंद है। तो पीला, हर चीज़ पीली, पीले वस्त्र, पीला प्रसाद, जैसे कि बेसन के लड्डू। बोल साचे दरबार की जय। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं अंदर दर्शन करके फिर आपसे बात करता हूँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। बहुत ही खूबसूरत प्लेस दोस्तों, इतनी पॉजिटिव प्लेस है ना, मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो जाता है इसी जगह आके। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सब मोह माया। अपने आप से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, माँ बाप से प्यार करो, बस। माँ बंगला मुखी, दोस्तों अब थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह का कुछ नहीं खाया, निकला हूँ मैं आज बगला मुखी के लिए, मंदिर के लिए। मत्था टेकने जा रहे हैं, रास्ते में खाते हैं। आप भी देख सकते हैं आज बारिश बहुत हो रही है और बहुत ही अच्छा मौसम है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरे पीछे परौंठा दिख रहा है, आज परौंठा खाएंगे मक्खन के साथ, तो आपको दिखाता हूँ, बने रहिए मेरी वीडियो में। तो यहाँ के बैठ गए हैं, ये आउटर है, तो देखो अब कुछ खाने को मिलता है, फिर कुछ खाते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं और फिर कुछ खाते हैं। और यहाँ से कुछ खाएंगे, गोभी परौंठा खाते हैं या चीज़ परौंठा, और क्या है, पनीर भुर्जी, आलू परौंठा खाते हैं। तो दोस्तों आलू परौंठा या फिर पनीर परौंठा, दोनों में से एक चीज़ खाते हैं, आपको दिखाते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो में। तो आ गया पनीर का परौंठा, देखो क्वालिटी कितनी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। तो इस पे रख के अब खाएंगे, एक दो। तो मैं खा के आपसे बात करता हूँ। दोस्तों गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, व्यू आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा मौसम है आज, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। मैं आया हूँ आज बगला मुखी माता के दर्शन करने, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये माता श्री बगला मुखी, बहुत ही खूबसूरत प्लेस। आज बारिश का मौसम है, बिल्कुल बारिश हो रही है। दोस्तों जूते हमेशा जोड़ा घर में उतारिए, पार्किंग में हमेशा गाड़ियाँ लगाइए, बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन को फॉलो करना। तो मैं जूते उतारने लगा हूँ और उसके बाद हैंड वॉश करेंगे और आपको दर्शन कराते हैं आज माता रानी के। तो मेरी YouTube फैमिली की सारी सपोर्ट करेगी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है। दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों कितनी पॉजिटिव प्लेस है आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों आप ज़रूर आइए यहाँ पर, ये है बंगला मुखी माता का मंदिर जो कि धर्मशाला में पड़ता है, बहुत ही अच्छी जगह है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर आइएगा, सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप डेफिनेटली आइएगा और बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो अभी लाइन लगी हुई है, रश है इधर, तो लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बोल साचे दरबार की जय। Oh, thank you.
जय। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं अंदर दर्शन करके फिर आपसे बात करता हूँ। दर्शन कर लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है, आप भी ज़रूर आइए इधर। तो आपको दिखाता हूँ मैं, जय माँ बंगलामुखी। तो दोस्तों यहाँ पे हवन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हवन हो रहा है। आपको सारा व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पवाप व्यू देखिए, वेरी नाइस। देख रहे होंगे सब कुछ येलो है क्योंकि ये माँ पीतांबरी पीला रंग, यहाँ पे पीला वस्त्र पहन के दर्शन किए जाते हैं क्योंकि माता को पीला रंग बहुत पसंद है। तो पीला हर चीज़, पीली पीले वस्त्र, पीला प्रसाद, जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी, कुछ भी पीला आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी ला सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है, बहुत ही डिवाइन प्लेस है, आप जो भी मांगेंगे डेफिनेटली आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों भगवान एक है, अपनी अपनी श्रद्धा है, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो दोस्तों दर्शन करके बहुत मज़ा आया, आप भी ज़रूर आइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखिएगा, दर्शन करिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है दोस्तों, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, ये चमत्कारी प्लेस है। आप कुछ भी यहाँ मांग के देखिए, डेफिनेटली आपकी मनोकामना पूरी होगी, डेफिनेटली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो स्टेयर्स उतर रहे हैं अभी, मंदिर है आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर आप। तो दोस्तों आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं, तो दर्शन करने से पहले नंदी बैल के दर्शन करेंगे, तो अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों दर्शन कर सकते हैं आप साक्षात भोलेनाथ के, हर हर महादेव। दोस्तों इतनी पॉजिटिव प्लेस है ना, मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो जाता है इसी जगह आके। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सब मोह माया। अपने आप से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, माँ बाप से प्यार करो, बस। तो दोस्तों वापस चलते हैं, स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ, और बने रहिए मेरे व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम यहाँ से दर्शन करके आए हैं। तो दोस्तों ये पंडित जी ने टीका लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं, हर हर महादेव। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो में। दोस्तों जैसे कि अगर हमारे दर्शन सपोज अंदर नहीं हो पाते कई बारी, तो आप गोमत के दर्शन ज़रूर करिए, ऊपर आपको झंडा दिखाता हूँ उसके, और गोमत के दर्शन कर लीजिए, आपकी हाजिरी डेफिनेटली लग जाएगी अंदर। तो आपको मैं दिखा, जैसे कि वो गोमत है, ये गोमत के दर्शन कर लीजिए और झंडे के दर्शन कर, अगर ये झंडे के दर्शन और गोमत के दर्शन कर लेंगे, आपकी प्रेजेंस डेफिनेटली भगवान जी के पास लग जाएगी कि आपने दर्शन कर लिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का व्यू, बहुत ही खूबसूरत प्लेस, और आप भी ज़रूर आइए, मैं तो यही बोलूँगा, एक बारी ज़रूर आइए, दर्शन करिए भगवान जी के। दोस्तों हवेली आए हैं, कुछ खाएंगे यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं।
I feel nauseous, believe me. Never had a